HTML quotations। तो मैं इस वेबसाइट से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि हम उसको कोटेशन मार्क दे सकें। जो अभी मैंने पैराग्राफ ले लिया, वो पैराग्राफ टैग में डाल दिया। अभी हमें उसको एक वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ई बिजनेस को कोटेशन मार्क में डालना है, तो उसको हमें क्यू टैग के अंदर डालना पड़ेगा। सिंपल है, क्यू टैग के अंदर डालने के बाद वो ई बिजनेस ई के आगे और सॉल्यूशन के बाद कोटेशन मार्क आ जाएगा। ये देखिए आउटपुट में आ गया, ई के आगे और सॉल्यूशन के बाद, ये मतलब ई बिजनेस सॉल्यूशंस कोटेशन मार्क में आ गया। अभी ब्लॉक कोट हमें यूज़ करना। ब्लॉक कोट किस लिए यूज़ होता है? ताकि ये हम वहाँ मेंशन, ये ब्लॉक कोट का मीनिंग ये होता है कि ये जो पूरा ये पैराग्राफ है किसी और वेबसाइट से डाला हुआ है, ये चीज़ के लिए हमें ब्लॉक कोट यूज होता है। मतलब इसका सोर्स अलग है, ये पैराग्राफ है या वर्ड है उसका सोर्स कुछ अलग है, इसके लिए वो ब्लैक कोड यूज होता है। ये देखिए अभी ये पूरे वर्ड के लिए हम ब्लैक कोड यूज करेंगे। और उसका CIT ये करके एक एट्रीब्यूट है, वह हम वो वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हैं उसमें। जैसे कि हम ये दे रहे हैं, यहाँ से हमने उठाया तो ये वेबसाइट का हियर है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो हमारा ऊपर का पी टैग और नीचे का ब्लैक कोड, उसका अलाइनमेंट कुछ अलग रहेगा, तो वो अलाइनमेंट के देखते ही आपका तुरंत पता चलेगा कि ब्लैक कोड है। जैसे कि सेव किया, अभी देखिए अभी ये वो ब्लैक कोट का पहला पैराग्राफ आगे है, ब्लैक कोट का थोड़ा मार्जिन छोड़ के स्टार्ट हुआ, ये है ब्लैक कोट। उसके बाद ये AWR करके एक टैग है, ये टैग से हम कई वर्ड है, फॉर एग्जांपल एक छो ये बिजनेस सॉल्यूशन को मैंने अभी उसको डाल दिया और टाइटल में वेबसाइट डाला, तो अभी ये बिजनेस सॉल्यूशन के ऊपर जब माउस लेके जाएंगे तो वो टाइटल शो करेगा, मतलब वेबसाइट शो करेगा जो हमने टाइटल में डाला है वो शो करेगा। ये देखिए यार, और इसका सर्च इंजन में बहुत यूज होता है। उसके बाद एड्रेस, आप नॉर्मली देखेंगे तो किसी वेबसाइट पे एड्रेस मेंशन होता है, लेकिन आप वही एड्रेस एड्रेस टैग में यूज करके डालेंगे तो उसका एक अलग फील होता है, मतलब उसका फॉन्ट अलग होता है, उसका फॉन्ट साइज अलग होता है, तो विजुअली एड्रेस के लिए एड्रेस टैग यूज होता है। वो मोस्टली वो फॉन्ट इटैलिक में दिखता है, लाइन ब्रेक वो अपने आप ऐड कर लेता है। मतलब
मतलब एड्रेस के पहले और लास्ट में वो आपने आप ब्रेक लिया था, उसके बाद ये एक टैग है BDO करके, ये BDO टैग है और उसका एक एट्रीब्यूट LDIR। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि वो टेस्ट कैसे लिखने चाहिए। जैसे कि देखो अभी ये मैंने एक टेस्ट लिखा था तो उसका DIR था RTL, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो हम जैसे जो जो वर्ड इसमें लिखेंगे वो राइट से लिखना स्टार्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये राइट से आ गया है, और यहाँ R की जगह आप L भी कर सकते हो, LTL कर सकते हो, LTR कर सकते हो, मतलब लेफ्ट टू राइट ऐसा भी, तो अपना नॉर्मली वर्ड है वो तो वो अपने आप अपना रेगुलर प्रिंट हो। उसका मीनिंग है बी डायरेक्शनल और राइट, मतलब वीडियो।